कौन प्रकृति के लिए वरदान साबित हो रहा है। लॉकडाउन के चलते दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की हवाएं अब साफ हो रही हैं। गाजियाबाद भी आबोहवा बिल्कुल साफ हो चुकी है। हमारे संवाददाता ने जायजा लिया, हम आपको दिखाते हैं। कोरोना वायरस को हराने के लिए किया गया लॉकडाउन कहीं ना कहीं गाजियाबाद के प्रदूषण के लिए भी एक मिसाल साबित हो रहा है। आपको बता दें, गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहरों में रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं इस वक्त हम जीटी रोड पर मौजूद हैं। गाजियाबाद के जो वाहन हैं उनका आना जाना कम हुआ है, जो फैक्ट्री हैं वो बंद कर दी गई हैं, जो भट्टे हैं ईंटों के वो बंद कर दिए गए हैं। तो गाजियाबाद का वातावरण इस वक्त बिल्कुल शुद्ध हो चुका है। आप देख सकते हैं जो पेड़ हैं वो हवाओं में सांस ले रहे हैं, पूरी तरह से वातावरण एकदम शुद्ध हो गया है, आसमान नीला हो चुका है। जो चिड़िए पहले गाजियाबाद की जो चिड़िया थी जिनकी आवाज़ें गुम हो गई थी, लेकिन अब वो आवाज़ें चिड़ियों की दोबारा आ चुकी हैं, चिड़िया दोबारा गुनगुनाने लगी हैं, हवाएं शुद्ध हो गई हैं। वहीं गाजियाबाद की जनता का कहना है कि जो वातावरण देखा जा रहा है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि नए युग की एक शुरुआत हुई है, और जो पक्षी थे जो गुम हो गए थे गाजियाबाद के प्रदूषण में, वो अब कहीं ना कहीं दोबारा सांस ले चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के लिए भी एक अच्छी खबर है कि गाजियाबाद का प्रदूषण स्तर बिल्कुल डाउन हो चुका है, ग्रीन जोन में आ चुका है। सोनू खान के न्यूज़ इंडिया गाजियाबाद। तो लॉकडाउन के